नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर हुई दो दर्दनाक घटनाओं की चिंगारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। उसके बाद जो बयान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन की तरफ से आया है, उस पर भी अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग राय है। भारत ने इस सब में, यानी कि पिक्चर दिखाए जाने के नाम पर आतंक को बढ़ावा देना, गला काट कर हत्या कर देने की निंदा की है और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ खड़े होने की बात कही है। लेकिन मशहूर शायर मुनव्वर राणा फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में है। मुनव्वर राणा ने फ्रांस में हुई घटनाओं का समर्थन किया है और जब उनके खिलाफ इस सब को लेकर केस दर्ज किया गया तो भी वो अपनी बात पर अडिग है। मुनव्वर राणा ने कहा है कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मुझे फ्रांस की घटना पर सच बोलने की जो सजा मिले वो मंजूर है। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो मुकदमे वापस करवाते फिरते हैं और सच बोलने से डरते हैं। अगर मेरी बात पर कोई गुनाह सिद्ध हुआ तो चौराहे पर शूट कर दो। 69 साल के शायर का कहना है कि मुझे चाहे जिहादी बना दो लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेरे खिलाफ बुजदिलों ने किसी के इशारे पर कार्रवाई की, अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगा, चाहे तो फांसी हो जाए। दरअसल मुनव्वर राणा ने फ्रांस में बेगुनाहों का कत्ल करने वालों का बचाव किया था। कहा था कि अगर मजहब माँ के जैसा है, अगर कोई आपकी माँ का या पिता का या मजहब का कार्टून बनाता है या गाली देता है तो गुस्से में मैं भी ऐसा करने को मजबूर होऊंगा। मुनव्वर राणा का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए बनाया गया। राणा ने कहा कि इस घटना पर पीएम मोदी ने अफसोस किया, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक पक्ष को दोषी मान लेना गलत है। जो गलत हुआ, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान के समाज में अगर मुसलमान आवाज उठा रहे हैं तो बुरी बात नहीं है, तोड़फोड़ करना गलत है। मुनव्वर राणा कहते हैं कि आज पूरी दुनिया चीख रही है, उसे याद नहीं आ रहा कि जब अफगानिस्तान इराक पर अमेरिका फ्रांस इटली ने बमबारी की तो बच्चे मरीज और नमाजी मारे गए, तो वो क्या मुजरिम थे। आगे उन्होंने कहा, फ्रांस में जो हुआ जुर्म हुआ, किसी पागल ने कार्टून बनाने वाले को मार दिया, किसी ने कार्टून बनाया तो बुरा किया, किसी ने मारा तो बहुत बुरा किया। मुनव्वर राणा का जब ऐसा भड़काऊ बयान सामने आया तो उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई। FIR में मुनव्वर राणा के बयान को वैमनस्यता बढ़ाने वाला करार दिया गया। FIR में लिखा है, फ्रांस में कार्टून विवाद पर हत्याओं को सही ठहराने का मुनव्वर राणा का बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। मामले में पुलिस का कहना है कि यह बयान समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने वाला, सामाजिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव डालने वाला है और इससे लोक शांति भंग होने की आशंका है। इसी FIR से मुनव्वर राणा ने नहीं डरने की बात कही है। कहा है कि चाहे उन्हें बीच चौराहे पर उनके इस बयान के लिए शूट कर दिया जाए, लेकिन अपने बयान पर वो माफी नहीं मांगेंगे। आपको बता दें, राणा के खिलाफ धारा 153 यानी कि धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाला, धारा 295 मतलब जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला, धारा 298 यानी कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली भाषा या भाषण देना, धारा 505(1)(b) मतलब समाज में उन्माद फैलाना और IT एक्ट की धारा 67 और धारा 68 के तहत केस दर्ज किया गया है।